मर नहीं सकता। चैन ना इसमें लेने पाए के कचिरावण को उकसाई, शिव को लाओ लंका उठाए, पार्वती ने श्राप दिया है। बचने का नहीं दूजा उपाय, जा बेटा कैलाशी को लाओ। पूजा नहीं तो भजन करो।
इससे तन भीगा जाए। कोशिश लाख किया रावण ने, शिव प्रसन्न ना होने पाए। क्रोधित होकर राजा रावण लिया खड़ग, तब हाथ उठाए, एक एक करके शीश काट कर
भुजा से, फिर भी लिंग ना हिलने पाए। क्रोधित होकर तब रावण ने अंगूठा से दिया लिंग दबाए। लंका नहीं ले जा सकता तो दूंगा पातालपुरी पहुंचाए। तब करने आसन पर बैठा, नहीं तक कोई दूजा उपाय। दर्शन देकर शिव शंकर ने रावण को दिया शर्त बताए। जहां भी धरती पर रखोगे शंभू। बोले समझाए मगर
तन को अब दूंगी जलाए कूंद पड़ी तब हवन कुंड में। कूंद पड़ी जब हवन कुंड में अग्नि डर से भागी जाए योगा गनी को प्रकट किया तब सती ने तन को दिया जला शाला में शिव गण दिए उत्पात मचाए नारद आकर शिव शंभू को समाचार सब दियो सुनाए वीरभद्र और महाकाली को दियो जटा से प्रकट कराए वीरभद्र और महाकाली को शिव जी दल बल सहित पठाए यज्ञशाला रणभूमि बन गई। चिंता भूमि भी
सुन लो ध्यान लगाए, आज गेवी गंगा जल ली कर पहुंच गए सुइया पर आए, सुइया पहाड़ पर एक थगा दिहा प्यास के मारे राह चिल्लाए, आज गेवी ने मन में सोचा तू मैं इसका जान बचा ली कावर से गंगा जल को उसके मुंह से दिया लगा ही मन वह रहा डरा लगता है कोई
कुछ भी समझ न पाए, मस्तक फटा पड़ा था शिव का। देख के भक्त गया घबराए, डर के मारे थर थर कांपे। कुछ भी उसको समझ न आए, प्रकट हुए कैलाश के वासी। वासुक से बोले मुस्काए, मांग लो पर जो चाहो बेटा। जो भी तेरे मन में आए, हे प्रभु जी अकाल मिटा करे। लीजिए पति की जान बचा, थक हार गई
पुजारी, शिव को अपने दिल में बसाए दिलीप सिन्हा भक्त भोला के। काबर ले देव घर को जाए संजू बघेल जगावेगा था, शिव शंभु को शीस झुकाए संजू बघेल ये गाथा गावे, शिव शंभु को शीस झुकाए। सुन लो भक्तों ध्यान लगाए संजो शिव